नमस्कार, मैं हूं पंडित नरेश नाथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस एपिसोड के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कैसे वास्तु दोष आत्महत्या का कारण बनता है। घर में ही कहीं मौजूद है आत्महत्या का कारण। जब कोई आत्महत्या करता है तो उसके भाग्य के ग्रह के साथ साथ उसके घर का वास्तु दोष भी इस कार्य में अहम भूमिका निभाता है। जिस घर में आत्महत्या होती है उस घर में दो या दो से अधिक वास्तु दोष अवश्य ही देखे गए हैं, जिनमें से एक घर के ईशान कोण में होता है। ईशान कोण उत्तर और पूर्व के मध्य के कोने को बोलते हैं। दूसरा दोष नैऋत्य कोण दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले कोने में होता है। इन दिशाओं में भूमिगत पानी की टैंकी, कुआ, बोर, बेसमेंट या किसी भी प्रकार से इन कोने का फर्श नीचा हो, घर के दक्षिण दिशा का दक्षिण का कोना दक्षिण पश्चिम का दक्षिण भाग का बड़ा हुआ होना वास्तु दोष को पूरी तरह प्रभावित करता है। इस दोष के साथ यदि घर के पश्चिम नैऋत्य कोण में मुख्य द्वार हो तो घर के पुरुष सदस्य द्वारा, यदि मुख्य द्वार दक्षिण नैऋत्य कोने में हो तो स्त्री द्वारा आत्महत्या करने का प्रयास किया जाता है, संभावना बनी रहती है। दूसरा वास्तु दोष घर के ईशान कोण में होता है। घर का ये कोना अत्यंत महत्व रखता है वास्तु शास्त्र में। इसे वास्तुपुरुष का मुख कहा जाता है। घर का ये कोना अंदर की ओर दबा हुआ हो, कट जाए या गोल हो, किसी कारण दक्षिण पूर्व की दीवार पूर्व की ओर आगे बढ़ जाए तो घर के पुरुष सदस्य द्वारा, और यदि उत्तर पश्चिम की दीवार का उत्तरी भाग आगे बढ़ जाए तो स्त्री सदस्य द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने की संभावना बनी रहती है। घर के दक्षिण नैऋत्य में मार्ग प्रहार हो, यानी इस दिशा में कोई रास्ता आकर मिल रहा हो, तब स्त्री और पश्चिम नैऋत्य में यदि कोई मार्ग आकर घर के मुख्य द्वार के पास मिले तो पुरुष द्वारा इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। जमीन के पूर्व अग्नि कोण को किसी भी चीज से ढकना नहीं चाहिए, अन्यथा पुरुषों में निराशा और आत्महत्या की भावना बढ़ जाती है। जबकि वाय कोण ढका हुआ हो तो स्त्री के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वह मानसिक पीड़ा सहन करती हैं, जिस कारण वह ऐसा कदम उठाने के लिए विवश हो जाती हैं। घर बनाते समय वास्तु के इन छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान अवश्य दें। किसी योग्य वास्तु सलाहकार की सलाह से ही घर का नक्शा बनाएं, ताकि किसी प्रकार के अनिष्ट की संभावना ना रहे। और यदि आप किराए पर घर लेने जा रहे हैं तो भी वास्तु का विशेष ध्यान रखें। तो हमारा उद्देश्य आपको किसी बहम में डालना नहीं है, बल्कि आपकी जानकारी में वृद्धि करना है। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने रिश्तेदारों में, मित्रों में, बंधुओं में, अपने चाहने वालों में अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप समय समय पर प्राप्त करते रहें। आज के इस वीडियो के संबंध में यदि आपकी कोई भी जिज्ञासा हो या आपका कोई परामर्श हो तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा अपने परामर्श दे सकते हो। तो आज इतना ही। जय महाकाली, हर हर महादेव।